बारिश होने के बाद उस पानी को स्टोर करना, हिफाजत के साथ उसको रोकना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। वरना बारिश हो, पानी ख़त्म हो जाए तो, लेकिन नहीं, बारिश होती है, समंदर का पानी है, अल्लाह ताला ने बाकायदा उसको स्टोर करके रखा है और उसकी हिफाजत की है। समंदर, कितने बड़े बड़े समंदर हैं, उसमें आप देखिए नमक भी होता है, अगर नमक ना रहे तो पानी ख़राब हो जाए। पानी की हिफाजत के लिए अल्लाह ने निज़ाम बना के रखा है ताकि उसमें नमक रहे। पहाड़ों पर आप देखें, पहाड़ों पे पानी जो स्टोर करता अल्लाह ताला बर्फ़ की शक्ल में, दो फ़ायदा उसका, एक तो पानी ख़राब नहीं होगा बर्फ़ की शक्ल में, और दूसरा जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी नीचे आएगा और नीचे आके पूरे जो चरागाह हैं, जो पेड़ पौधे हैं, हर जगह पानी सर्कुलेट होगा। अल्लाह ताला का निज़ाम। और फिर पीने के लिए जो पानी फ़िल्टर होना चाहिए, अल्लाह ताला समंदर से भाप बना के ऊपर भेजता है, भाप, और फिर वहाँ से पानी दोबारा बरसता है, गंदा पानी रहता है, फ़िल्टर होके, मतलब अल्लाह ताला का सिस्टम, ये वाटर साइकिल है, कितने बेहतरीन तरीके से पानी फिल्टर होकर हमारे पास आता है, पीने के लायक होता है। यानी बारिश से पानी फिल्टर होकर हमारे पास आता है, पीने के लायक होता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये पानी स्टोर करना भी तुम्हारे बस का नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा इसको, अल्लाह फरमाता है वअरसलना रियाहा लवाक़िहा फ़अंज़लना फ़ी मिनस समाई माअन फ़अस्क़ैनाकुमूहु वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ये बादलों को भेजता है, ये बारिश लदी हवाएं चलती हैं, बारिश बरसती है और फिर तुम्हें सैराब करता है, और तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि इस पानी को तुम रोक सको। अगर अल्लाह पानी को स्टोर ना करे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है पानी को रोकना। ज़मीन पर बारिश होगी, पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने निज़ाम रखा है, समंदर में निज़ाम रखा है, नमक का, पहाड़ों पे बर्फ़ का सिस्टम है, फिर चश्मे हैं, ये अल्लाह का एक निज़ाम है जिससे पानी यहाँ पर रुकता है, स्टोर होता है, और फिर हमेशा के लिए यहाँ के लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह स्टोर करता है, बल्कि उसको सर्कुलेट भी करता है, सप्लाई भी करता है। अल्लाह ताला पानी की सप्लाई भी देता है। ऐसा नहीं समंदर में है बस। चुनांचे खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 21 में, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिया फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाया, उसके बाद चश्मे बना दिए जहाँ से पानी हर जगह जा रहा है, नहरें हैं, चश्मे हैं, और फिर पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में पानी रहता है, वो पिघलता है, पानी वहाँ से उतरता है और पूरी ज़मीन पे पहुँचता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, यानी उसकी मुनासिब तकसीम का भी अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया। तो ये तमाम चीज़ों पर आप गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी कुदरत है। तो ये नेमत की बात भी होगी कि पानी बहुत बड़ी नेमत है, और दूसरी बात होगी कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी भी है। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।